पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम जब से राजनांदगांव प्रत्याशी के रूप में सामने आया है, तब से लगातार बघेल लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के प्रवास पर हैं। पूर्व सीएम खैरागढ़ के दिवंगत राजा देवरथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले थे, लेकिन पूर्व विधायक स्वर्गीय देवरथ की मूर्ति अनावरण का विषय आते ही खैरागढ़ राज परिवार की तरफ से नया विवाद सामने आया है। स्वर्गीय देवरथ की पत्नी रानी विभा सिंह ने मूर्ति अनावरण कार्यक्रम पर रोक लगाने खैरागढ़ कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। रानी विभा सिंह का आरोप है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्गीय राजा देवरथ सिंह की प्रतिमा व गार्डन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मैं लेट राजा देवरथ सिंह की पत्नी इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वर्गीय राजा देवरथ सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए हैं मात्र, उनको इस तरह से पीड़ा देना उचित नहीं है कि जिन जिन राजा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया था वो उस पार्टी में थे नहीं, और वो अजीत जोगी जी की पार्टी से लास्ट टाइम पे विधायक थे और वैसे ही वो इस दुनिया को छोड़े, वो कांग्रेस में वापसी नहीं किए थे और न ही कांग्रेस से उनको बुलाया गया था, बल्कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था क्योंकि पार्टी में उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। और अब उनका अनावरण करके उनके लास्ट ईयर उनके भूमि पूजन में भी उनके परिवार को, मतलब उनकी किसी भी मृत पर्सन के मूर्ति आवरण में उसकी पत्नी को तो एक बार पूछा जाता है और कि कहाँ पे लगाएं, या किसी भी तरीके का कोई कंसर्न लिया जाता है, जो कि कुछ भी नहीं किया गया और साथ साथ में हमको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। इस चीज का मुझे बहुत दुख है और मैं नहीं समझती हूँ कि ये राजा साहब के हित के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और उनके फेस को उनके फेस को आगे करके सिर्फ चुनाव और वोट कलेक्ट किया जाएगा। उनके जिंदा रहते उनको वो महत्व नहीं दिया गया, जो उनके जाने के बाद उनके उनको एक तरीके से एक शब्द हम बोलेंगे कि उनको बुनाया जा रहा है। और इस चीज से मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि उनके साथ, मेरे पति के साथ ये बहुत गलत किया जा रहा है कि उनको इस तरह से किसी भी वो उस शहर में हमारा एक रेपुटेटेड फैमिली है, बट उनकी मूर्ति को सड़क के किनारे रख दिया गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने इस चीज को बोला भी, किसी ने सुना नहीं। सेकेंडरी उनको मूर्ति को बनाने के वक्त एक बार तो वाइफ से पूछा जाता है कि क्या चीज होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं पूछा गया। तो ये सब पॉलिटिकल दांवपेच है, इसमें देवव्रत सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये सब एक अफवाह कि उनके लिए कुछ पार्टी करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आगे आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी बातों को सुने और मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।